लगभग 800 बीघा में आरएचबी और जेडीए का हीरालाल शास्त्री नगर फैला हुआ है। इस एरिया में दो मुख्य बड़ी सड़कें हैं, एक है 160 फीट और एक है 100 फीट रोड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की पावर हम में से शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने जब मालवीय नगर में एंट्री की तो झालाना के इसके पास की इर्द गिर्द के इलाके की रेटें आप देख लीजिए। उसके बाद प्रताप नगर में जब एंट्री की, जगतपुरा और इसके आसपास की रेटें आप देख लीजिए। उसके बाद मानसरोवर में जब एंट्री की, पत्रकार एक्सटेंशन और पत्रकार एरिया की रेटें आप देख लीजिए। तो अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की एंट्री हुई है वाटिका में और बहुत ही तेजी से इसके इर्द गिर्द इलाके में जो भी प्रोजेक्ट्स है उनकी रेटें बूस्ट करने वाली है। आइए इसके इर्द गिर्द और क्या है एक नज़र मार लेते हैं। ये है 160 फीट रोड जो वाटिका से निकलकर डिग्गी रोड को कनेक्ट करता है। 160 फीट रोड वाटिका से निकलकर वाया लाखना डिग्गी रोड में बालावाला बस स्टॉप के यहाँ पर जाके डिग्गी रोड में मर्ज होता है। ये 160 फीट रोड है और इसके आसपास का ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा जेडीए अप्रूव्ड हीरालाल शास्त्री नगर का एरिया है। और इसी एरिया में ये एक हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है और आगे चलकर दो सक्सेसफुल टाउनशिप, इस रोड पर दो सक्सेसफुल टाउनशिप्स है, रियासत वाटिका फेज 1 और फेज 2। तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है जो रनिंग में है। इस एरिया पर थोड़ी और चर्चा करें तो वाटिका से लाखना की तरफ जाने वाले रोड पर वाटिका रेजिडेंसी एक बहुत ही सुंदर टाउनशिप है। आइए देखते हैं इस टाउनशिप का एक ओवरव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो के मेन मोटो पर आते हैं। इसी एरिया में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वाटिका से लाखना रोड और रियासत वाटिका और वाटिका रेजिडेंसी के ठीक आसपास इसी एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत, आज तक की सबसे खूबसूरत टाउनशिप लॉन्च होने जा रही है जो कि बनी होगी गुलाबी नगर जयपुर के परकोटे की तर्ज पर। ये टाउनशिप वैसी ही होगी जैसे हमारा जयपुर शहर परकोटे के अंदर दिखाई देता है, पूरा गुलाबी रंग से सुसज्जित होगी। इसके अंदर बहुत ही उम्दा आपको सुविधाएं देखने को मिलेगी। ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर श्री राम भगवान का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर और बहुत ही चौड़े चौड़े रोड जो कि सेक्टर प्लान के अकॉर्डिंग है उपस्थित होंगे। इसके अलावा इसमें सामुदायिक भवन, खेल मैदान इत्यादि सुविधाओं से भरपूर यह टाउनशिप होने वाली है। इस टाउनशिप के बारे में थोड़ा और बात करें तो इसके पूर्व में 160 फीट रोड, पश्चिम में 160 फीट रोड, नॉर्थ में 160 फीट रोड और टाउनशिप के मध्य से 80 फीट रोड और 60 फीट रोड गुजरेंगे। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट ये होने वाला है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भाई साहब आपको पता है आरएचबी